Apocalypse. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। तो इसी के साथ ये डोव स्क्वाड का गेम प्ले था, तो हमने रजोक जंप किया क्योंकि रजोक मेरा फेवरेट है। तो हॉट ड्रॉप भी ना हो तो तब भी मैं रजोक उतरता हूँ। तो रजोक उतरे थे, यहाँ 3 के 4 स्क्वाड आए हुए थे, तो काफ़ी मज़े की फाइट हुई है। कुछ कुछ इस वीडियो में सीन ऐसे हैं कि जो खुद नहीं यकीन हो रहा वाकई हुए हैं या नहीं हुए। तो बस वीडियो एंजॉय करें। तो इसके साथ हम स्क्वाड हाउस में आ गए थे लूट करके, तो वहाँ से हमने 2 बंदे जंप कर रहे हैं। पहले तो इतना गंदा स्प्रे दिया, तो भाई साहब उन्हें तो कोई परवाह नहीं है, डायरेक्ट ही रश करने आ रहा था। मैंने कहा फिर ऐसे कैसे हो, यहाँ अलग ही सीन हो रहे थे हमारे साथ। मैं चढ़ा छत के ऊपर था, पर दरवाजे के ऊपर चढ़ गया था। तो फिर मैंने कहा कि ऊपर से इन्हें मार सकते हैं, वैसे नीचे तो रश नहीं कर सकते क्योंकि हेलमेट वैस भी आप देख लें लेवल 1-1 की है और उनके पास अच्छी खासी लूट है। हमारी साइड तो लूट ही नहीं थी। यहाँ से इनका एक बंदा आया, तो भाई साहब एक को नॉक किया, मैं कवर में आया। तो यहाँ देखो डायरेक्ट उस एक, तो मुझे समझ नहीं आती मेरा फायर ऑटो क्यों हो जाता है, मुझे खुद नहीं समझ आती। इनका एक प्लेयर पीछे गया, इतनी देर में मैंने तो एमओ देखी नहीं थी। तो सब यहाँ तो मेरे साथ बहुत गंदा, यहाँ एक प्लेयर नॉक किया, 3 गोलियाँ मुझे पता ही नहीं था। यहाँ मैंने 2 मारी शॉट, फिर मैंने शॉट गन निकाली, मैंने कहा शॉट गन से, फिर मैं पिस्टल, मैंने कहा शायद नॉक हो ही जाए। तो यहाँ देखना कवर में आ गया था फिर भी पार की, चलो कोई नहीं रिवाइव लेंगे। तो यहाँ मैंने रिवाइव लिया अपने टीममेट से, मैंने कहा रिवाइव करो और एमओ दे दो, अगर जितनी हैं दे दो, कोई नहीं गुजारा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे यार एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, हमारा फ़ायदा है और आपका ये फ़ायदा है, आप वीडियो एंजॉय करें। तो यहाँ इसने रश कर दिया, मैंने कहा हील भी नहीं है तो यहाँ से मारते हैं इसको, यहाँ से वाकई नॉक हो गया। तो इसको फिनिश करेंगे और इसकी लूट उठाएंगे। भले मेरी आवाज़ सही ना आ रही हो या कोई भी वो हो रही हो ना मिस्टेक, तो आस्ता आस्ता सही कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी यार, आस्ता आस्ता सब कुछ आ जाएगा। न्यू फ़ोन आ जाएगा, न्यू आईपैड आ जाएगा, न्यू वॉइस ओवर भी अच्छी हो जाएगी, इसके साथ माइक भी नया नया आ जाएगा, सब काम नए नए हो जाएंगे। बस आपका यही है कि आप सपोर्ट करें, तो आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट से बहुत कुछ नया आ जाएगा। और कोई नहीं गेम प्ले एंजॉय करें। तो इसी UMP से नॉक किया, मैंने फ़ौरन जंप किया क्योंकि वो सामने वाले घर में था। तो साहब यहाँ तो मैंने कहा अब क्या होगा यार, एक तो नेट लाइट बार बार जा रही थी और आखिर में तो समझ लो बड़ा गुस्सा आया है मुझे। तो इसी के साथ साथ फिर टीममेट को आपने रिवाइव किया जो तो हमेशा नॉक होते रहते हैं, तो कोई नहीं रिवाइव करना हमारा हक है। तो यहाँ से नॉक किया पाकिस्तानी भाई से, यहाँ तो अजीब ही सीन हुआ है। और भाई साहब यहाँ इतनी देर में मैं तो समझू ये बोट है पर ये रियल था। तो इतनी देर में यहाँ एक गाड़ी आ जाती है, मतलब कि ये क्या है,
क्या नोकिया हुई, गाड़ी वाले को कोई परवाह ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई साहब, सीधे ही आ रहे हैं, कोई टेंशन कोई कुछ नहीं है। इसी के साथ पाकिस्तानी भाई ये एनबी कोप्पू पता नहीं क्या नाम है ने, तो इनको नॉक किया। उससे बाद रजोक में मेरा ख्याल है इससे बाद एक एक या दो एक एक बंदा रह गया था और एक बोट रह गया था आई थिंक। तो इससे बाद इनको मारने के बाद लूट की इनकी, तो इतनी देर में यहाँ दो बोट आते हैं, यहाँ दो बोट आते हैं और इससे बाद फिर एक बंदा और रहता है। एक बोट, ये बोट नहीं है ये रियल है, ये आखिर में बड़ा बड़ी टेंशन देगा इधर कि इनको रो ना मिलेगा, बस बोट फायर करेगा फिर लोकेशन चेंज कर देगा। बड़ा तेज था, यहाँ दो बोट अल्हम्दुलिल्लाह। इन बोट को मारने से बाद ना इनको फिनिश किया, तो इनसे बाद फिर यहाँ लूट करेंगे, मतलब कि अभी तो DPS है और उजी है, तो यहाँ लूट क्या के लूट करके तो यहाँ मैं जा रहा था अंदर, तो फिर मुझे फुटस्टेप आए, तो वो फुटस्टेप नहीं थे वैसे ही था। उसके बाद लूट शूट करने के बाद भाई साहब गाड़ी में आए, तो वो अपने टीममेट के फुटस्टेप थे, तो मैं कहूँ बंदा आ गया। लूट करने से बाद फिर हम गाड़ी में बैठे, तो काफ़ी बंदे ढूंढे ढूंढ ढूंढ के भाई साहब मिले ही ना। तो उसके बाद हम पूछिंग की है, यहाँ जब हम यहाँ से जाने लगे तो यहाँ पीछे से एक बोट ने रियल बंदे पे ये फायर किया, तो यहाँ ये बोट था पर ये नॉक हुआ, फिनिश भी कर दिया। इसी के साथ साथ यहाँ ये बंदा आया, इन भाई को नॉक किया है, पाकिस्तानी भाई थे, इनको नॉक करने के बाद यहाँ एक बोट है, बोट था उसको मारा। किल तो कर रहे ना यार, किल का नो मजाक। तो आपको अच्छी बात हूँ, इस गेम में फेक स्टार अनोनिमस भी आया था और मैं कहूँ रियल है यार, उसने मतलब कि किल जैसे छुड़ाया ना, मैं तो कहूँ रियल है। तो यहाँ इन दोनों भाई को फिनिश किया, तो इसके बाद अपने टीममेट को रिवाइव करेंगे, क्योंकि मैंने कहा अंदर आ जाओ क्योंकि ये पुचिंग की है, कैंपर यहाँ कहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद रिवाइव करने के बाद लूट की, लूट करने से बाद भाई गाड़ी में आए, फिर हम अपने मिशन की तरफ निकल पड़े। भाई सब किल चाहिए, अभी तो 12 किल हैं, अभी तो और किल करना है। यहाँ अपार्टमेंट में आए तो यहाँ मेरी पीछे गाड़ी लग गई थी, तो हेल्थ कम थी, तो मैं यहाँ खड़े होके हील कर रहा था, इतनी देर में यहाँ फ्लेयर चलती है। मैंने कहा इससे अच्छी बात और कौन सी है। तो यहाँ जो पार्ट हुआ है ना भाई साहब, देखें आप यहाँ हमारे साथ कौन कौन से पार्ट हुए हैं। यहाँ सामने की साइड दो स्क्वाड आपस में फाइट कर रहे थे, हम मौका उठाने जा रहे थे, तो मौका हमें मिल गया, तो भाई साहब जू ही नॉक हुए तो रश कर दिया। यहाँ मेरे साथ तो पार्टी हो गया, यहाँ एम मुर्शद बहुत बंदे मारा था, इसका प्लान पे नाम आया था, तो इसने पूरा स्क्वाड यहाँ वाइप किया। तो उससे बाद एक और स्क्वाड आ गया, मतलब कि तीन स्क्वाड आ रहे थे। वो बंदा ऊपर चढ़ा, मैंने ये देखा, ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आती यार, लैग इतनी करती है इस डिवाइस में। ये किल हमारे से मिस हुआ, भाई को फिनिश करेंगे, बस भाई फिनिश नहीं हुए, तो हमारे जो अदर भाई हैं इनको तो किल चाहिए था, तो कहते हैं मैं आगे जा रहा हूँ, मैंने कहा जो मैं तो नहीं जा रहा, तो ये देखना ये भी गए, ये देखो ये किल सिक्योर करने गए थे और खुद सिक्योर होके आ गए, तो किल का नो मजाक, बट किल देख के करना चाहिए फुल फिनिश, ताकि देखो वो भी तो गेम खेलने हैं ना, वो तो क्या करने। यहाँ मेरे मेरे ऊपर राश किया बगी ने, भाई साहब 0 HP, मैंने कहा बस गया हूँ बस गया हूँ। तो इसी के साथ मैंने
उन्होंने ये अच्छा एक काम किया, उन्होंने स्मोक कर दी। तो मैंने जितने नेड़ थे, दो नेड़ थे मेरे पास, मैंने दो नेड़ कर दिए। जो स्मोक हुई मैंने नेड़ करके भाई मैं वापस पीछे वाले अपार्टमेंट में भागा। मैंने कहा भाई भागो बस, अब नहीं रुकना यहाँ, क्योंकि दोस्त खड़े हैं ऊपर भी नीचे भी। यहाँ के ड्रिंक की तो आराम से वेट करके खेलेंगे, टेंशन नहीं है। मैं बेशकिल ना हूँ, टेंशन नहीं है, लालच। वो मुझे ढूंढ रहे थे, भाई साहब ये किधर गया है, ये क्या कर रहा है, ये अभी तो इधर ही था। मैं पहले मूली करने लगा, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुंह का उठाना है। और ये दोनों जब बह रहे ना, तो भाई साहब इनके साथ तो स्कैम हो गया। तो यहाँ एक मैंने नॉक किया, दूसरा फेक स्टार एनोनिमस भाई ने कि ले लिया था, ये नाम आप पढ़ सकते हैं। मैं तो पहले मैं कहूँ रियल, मैंने कहा गेम प्ले बन चुका है भाई साहब, अगर रियल हुए तो गेम प्ले बन चुका है। मैं यहाँ ओलो था मेरे पास, मैं लगाई जो देखी जो, मुझे क्या बता किधर, पर मुझे इतना हल्का सा सार नज़र आया था वो सामने के वाली साइड, तो वो भी नहीं मिली पूरे मैप में। इसी के साथ अब हम क्या कर सकते हैं, होलो है, स्कोप भी नहीं मिली, कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा यार किल चाहिए, छोड़ो यार, जो ऊपर दो बंदे उनके ऊपर रश करते हैं, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे वो भी। पहले मैंने देखा आगे पीछे कोई कैंपर तो नहीं है, कैंपर से कैंपर, जब कैंपर मार जाए ना बड़ा दुख होता है, बंदा मार जाए तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ फिर मैंने होलो पे स्प्रे दिया, काफ़ी अच्छा मैं रिकॉयल कंट्रोल कर लेता हूँ होलो पे, और फेवरेट है होलो मेरी। जो लोग रेड डॉट M4 पे यूज़ करते हैं वो पागल हैं, क्योंकि रेड डॉट तो बहुत रिकॉयल होता है रेड डॉट में। होलो तो मतलब कि आप 300 मीटर दूर भी हो, 500 भी हो ना दूर, मतलब ओपन में, तो इजीली आप उसके ऊपर एम रख सकते हैं। रेड डॉट काफ़ी करता है ब्लिंक। उसके बाद मैंने लूट की, मैंने कहा बैरल उठा लेते हैं, ये ना हो कि ऊपर काम दूसरा ही हो जाए। एक एम तो मतलब इतने सही नहीं क्लोज में चलती, तो यहाँ मतलब कि अन्नाधुन में घुस गया हूँ। अन्नाधुन इस बंदे को भी नहीं समझ आई कि क्या हुआ है। यही था एम मुर्शद, और काफ़ी अच्छी भाई गेम खेल रहे थे, काफ़ी अच्छे इन्होंने किल किए थे। तो इनका जो दूसरा टीममेट आया वो भाई कवर में मार गया, मुझे खुद नहीं समझ लगी ये क्या हुआ, हमारी भी डिसेंट में पार सकती है। तो उसी के साथ फिर लूट की, हील फुल की, तो गाड़ी में आए। गाड़ी में आने से बाद मतलब बंदे ही तो ढूंढने थे, ये 11 बंदे रह गए थे, 16 किल मेरे हो गए थे। और यकीन करें इस गेम प्लेस को बनाने के लिए मैंने पहले 8 के 9 मैच खेले हैं, तो भाई साहब मतलब कि किल ही ना हूँ, बंदे अरबी आ जाएँ कोई क्या आ जाए। तो यहाँ जो ये गाड़ी आप देखें जो ऊपर में रुकी है, इनके साथ जो भी मैं करने लगूँ, मतलब समझ लें फुल हैकिंग वाला सीन ऑन है, समझ सकते हैं ना। यहाँ देखें गोली लगी बैरल, मतलब होलो में काफ़ी अच्छा रिकॉयल कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें नॉक, यहाँ मैं दूसरे को भी स्प्रे दे रहा था शायद हो जाए नॉक। मैंने कहा अब इनको मारना है, इनको लाजमी मारना है, ये बचने नहीं चाहिए। हाँ मैंने काफ़ी डैमेज किया उनको, काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया। यहाँ देखें मतलब कि स्मोक के अंदर नॉक, अभी भाई मैं हैकर हूँ, रिकॉयल चेक करो बाकी छोड़ो, फिनिश लेजेंट, यस पता नहीं क्या नाम है। भाई इनको फिनिश किया, और आपको इतना बता दूं कि यहाँ मेरे साथ बहुत गलत पार्ट हुआ है, आप सोच नहीं सकते जो पार्ट हो गया है। यकीन करें उस टाइम मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लाइट चली गई थी, आपको पता है कुछ इशू चल रहे हैं 4-5 दिन से लाइट के,
तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना।